वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज असी बनाने जा रहे हैं फिरनी, चलो बनाइए। हुण मैं 3 कप दुध उबालन वास्ते रखता है ते उन्हें जो उबल जाएगा फिर उस तो बाद अगे दसदा मैं तुहानू की करना है। दुध हुणे उबल रहा है ते हुण असी इहनू हुण असी ग्राइंड करांगे चावलां नू। चावल 1 कटोरी सी असी 3 घंटे इन्हां नू भिओए सी चावल 3 घंटे वास्ते, ठीक है। हुण असी इन्हां नू हुण ग्राइंड कर लाँगे। हुण असी चावल ग्राइंड कर लिया, इन्दे दिखने चाहिए चावल ते इंजरी हो जाएंगे तो फिर इन्हू एक बाउल च काट लेना। हुण असी चावल दुध च पावांगे। चम्मच देना असी चावल दूध च पाते है ते हुण इहनू हिलाना है। असी थोड़ी देर इन्हू हिला लिया है तो उन्होंने की पाना है, हम मिल्कमेट पाना है। मिल्कमेट दे दो। हम असी ए मिल्कमेट पावांगे। ए वाली कंपनी का नेस्ले का मिल्कमेट है। हम ए मिल्कमेट पा दो। असी ये चो अद्धे तो थोड़ा कट पाया है क्योंकि फिर मिल्क मेट मिठा भी होंगे, बाद भी मिठा पैना है। तो इन्हू हम हिला लेना अच्छी तरह। हम असी इन्हू हिला लिया अच्छी तरह तो हम मिल्क मेट मिक्स हो गया। हम अगला की पाना है केसर। केसर किदा पाना है? एडा सी केसर पा रहे हैं, MDH का केसर। केसर भी पै गया तो हम असी इन्हू उबाल देना हिला के। इन्हू हिला लो अच्छी तरह। हुण असी इन्हू हिला लिया, हुण असी इन्हू थोड़ी देर उबाले आन देवांगे ते फिर उस तो बाद अगे तुहानू दसदे आ। उधर वो हिला रहा ते हुण असी मिट्टी ते इहदे विच पावांगे फिर असी फ्रिज च सैट कर लांगे। ए वाला मिल्क मेट सी, जो लियाओगे सिर्फ ऐ वाला लैके आना, दूसरा ना लैके आना। हुण असी इहदे विच केसर पा के इहनू हुण उबाला आण देना है ते फिर उस तो बाद जदों उबाला आ जाएगा मैं तुहानू उस तो बाद मिलदा हाँ। हुण असी इहनू 1 घंटा गैस ते रख लिया सी ते हुण इंजरी लग रही है साडी फिरनी। हुण असी इहनू हुण बाउल च कढ लैंदे हां। हुण असी खीर बाहर असी फिरनी बाहर कढ ली है ते हुण असी ए पॉट च पावांगे फिरनी ते ए बिना नमक तो पिसता है ते इहनू भी असी बाद च लावांगे। चांदी का वर्क है तो यह भी असी फिरनी के उपर लगावे कैच का है। यही लैके आना, शुरू करते। असी पहले थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स पावांगे। पिस्ता है विदाउट नमक।
ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਟੇਸਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। मिनट मैं उन्हें तुम खोल के दसदा। हूँ असी इन खोल लिया, मेरे को खुल नहीं रहा से फिर मैं दीदी को कहता। हूँ असी कट लें सारे फल इन होंगे देखो इन होंगे ए खाने वाला सिल्वर चांदी कहते हैं। ड्राई फ्रूट फिर पावांगे कि अच्छा लगे देखने च। हुण असी इहदे उपर ड्राई फ्रूट सारा हो गया है तो हुण असी इहनू हुण थोड़ी देर असी हुण इहनू फैन थले रखांगे फिर उस तो बाद असी एक दो घंटे वास्ते फिर फ्रिज रखांगे। हुण असीं पक्खे थले फिर नहीं रखती है तो हुण इस तो बाद असीं फ्रिज च रखांगे। हुण फिर नहीं रेडी है तो हुण मैं टेस्ट करदा। ओ पूरी हो चुकी है। हेलो बहुत अच्छी बनी है, ट्राई करो जल्दी जल्दी। इस वीडियो नूं एंड कर दिया। आई होप तुहानूं वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो सबसक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फिर नहीं बनाने तो बाद मैं भूल ही गया सी तुहानूं एक चीज़ दसना कि इहदे उपर ना खोआ भी पा देना। मिल्क मेड लैके तो दुध तो खोआ ना उहदे उपर करके सारी फिरनी के उपर पा देना, फिर टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।